नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 41,822 पदों पर जो है आर्मी मेस में जो है भर्ती होने वाली है। और ये भर्ती क्या होती है, इसमें कौन सी पोस्ट मिलती है, वर्दी मिलती है कि नहीं, इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हाइट चेस्ट योग्यता क्या होनी चाहिए, और जो जो भी आपके सवाल बनते हैं सिलेबस वगैरह, वो सारी जानकारी, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। और इतना अच्छा मौका दोस्तों आपको कभी नहीं मिलेगा इंडियन आर्मी में जाने के लिए। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन ज़रूर अप्लाई करना। इसकी पूरी जानकारी, ऑनलाइन अप्लाई डेट, लास्ट डेट, आपको कितना चालान लगेगा, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते हैं, सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि इसके कौन सी पोस्टों पर जो है भर्ती करवाई जाएगी। तो इसमें जो है आर्किटेक्ट का जो है 44 पोस्ट है, ब्रेकर एंड स्टोर ऑफिस की 120 पोस्ट है, और स्टोर कीपर, मल्टीटास्किंग वगैरह वगैरह बहुत सी अलग अलग पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो दोस्तों वो 41,822 पोस्ट है, ठीक है। आप वीडियो पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे जो आपको जितने भी पोस्ट दिख रही है इन्हीं पोस्टों पे जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो 18 से आपकी कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, और मैक्सिमम 30 साल। और एस सी एस टी ओ बी सी के लिए जो भी, एस सी एस टी के लिए 5 साल और ओ बी सी के लिए 3 साल जो रिलेक्शन मिलता है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर इसकी चालान की बात करें तो इसमें जो है आपको ओ बी सी और जनरल कैटेगरी के लिए जो है 100 रुपये चालान है, एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चालान नहीं है। नेक्स्ट बात करें इसमें जो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, सिग्नेचर, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जो भी सरकारी दस्तावेज़ होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगने वाले हैं। बात करें इसके सिलेबस पैटर्न की, तो आपको जो है 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसमें जो है आपका रीजनिंग, जो आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के 25 और मैथ के 25, और स्पेशलाइज टॉपिक, मतलब जिस टॉपिक पर आप, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे टोटल जो 1 से 20 मिनट आपको मिलते हैं, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से उनको 2 घंटे 40 मिनट मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको जो है 125 जो है टोटल 120 नंबर और 125 जो है मेन मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके फिजिकल की बात करें तो इसमें जो है मेल और फीमेल के लिए हाइट चेस्ट जो है अलग अलग है। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, और नॉर्थ ईस्ट और इंडिया जोन मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अब मेल कैंडिडेट्स को दौड़ाया जाएगा 5 किलोमीटर रेस, जिसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा, और फीमेल कैंडिडेट्स को दौड़ाया जाएगा 1600 मीटर, जिसके लिए आपको 8 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई मैं इंडियन आर्मी में जो मेस की जो वैकेंसीज आई है उसके रिगार्डिंग पूरी अपडेट। अब इसकी ऑनलाइन अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आपको कहाँ मिलेगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो दोस्तों इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई डेट है वो जो 25 जुलाई से जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द 25 जुलाई तक इसकी नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली बहुत सी वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगी, और जिसकी ऑनलाइन अप्लाई डेट वगैरह, लास्ट डेट वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी जो भी अपडेट्स थी मैंने आपको बता दी, और इसकी एक नोटिफिकेशन भी आई है, जो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। लेकिन इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई डेट वगैरह की जो नोटिफिकेशन है वो अभी आनी बाकी है, लेकिन इसकी जो एक नोटिफिकेशन आई है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों इंडियन आर्मी में जो मेस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, MES पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, उसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है जारी हो गई है, और उसकी जो पूरी अपडेट है मैं आपको इसी वीडियो में दे दी है, और आप यहां पे देख सकते हो कि फिलिंग अप टू वैकेंसीज रिकॉर्डिंग। तो इसमें जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES
की जो वैकेंसीज आई है उसमें जो अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसीज आई है वो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पूरे 41,822 पोस्टें हैं जिसमें MTS की और MET की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियली आया है जिसमें आप सिग्नेचर और जो ठप्पे वगैरह सब कुछ लगा है, ठीक है, मोहर लगी है। और ये जो वैकेंसीज है दोस्तों, आप 18/7/2022 के ईमेल ID विक्रम का जो कुछ नोटिफिकेशन उसके रिकॉर्डिंग आई है, ठीक है, इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 25 जुलाई तक जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है, इसकी पूरी फुल नोटिफिकेशन, इसकी ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट वो सारी जानकारी जो है आपको जो बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। और इसकी पूरी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।